नमस्कार, डिजाइना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा तुर्क, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के बेहद नज़दीकी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, युवा विधायक श्री जीतू पटवारी। पटवारी जी, 15 महीने के शासनकाल में कमलनाथ सरकार के संकट मोचक रहे। युवा मंत्री थे, शिक्षा विभाग का दायित्व था, लेकिन कमलनाथ सरकार पर जब जब राजनीतिक संकट आया, उन्होंने फ्रंट फुट पर जाकर बल्लेबाजी की और सरकार को बचाने के भरसक और पुरजोर प्रयास किए। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में विशेष पसंद हैं। जो एक समन्वय समिति कांग्रेस शासनकाल में बनी थी, उसमें 3 बड़े दिग्गजों के अलावा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिराज सिंधिया के अलावा, वे भी एक सदस्य थे। फिलहाल उन्हें मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने मीडिया कमेटी का प्रभारी बनाया है। जीतू जी, आपका स्वागत है। जीतू भाई, सवाल मैं आपसे करूं उसके पहले एक सरकार का सवाल, क्योंकि सरकार जाने के बाद ये डिजाइना न्यूज़ के साथ आपकी पहली मुलाकात है। इस सरकार को, जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उसके जाने के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को या ज्योतिरादित्य सिंधिया को? नीति को, परिस्थिति को, लालच को। मैं मानता हूं कि दो चेहरे प्रमुख थे हमारे, जिस पर हमने चुनाव लड़ा, और उसमें से एक चेहरे ने ये कहा कि मैं कम समय में आपकी पीठ में छुरा घोपूंगा और जाऊंगा, और अपने लोगों को भी जितना मैं डैमेज कर सकता हूं वो करके जाऊंगा। और गए इसलिए कि ईगो सेटिस्फेक्शन, मेरा हम अहंकार, मुझे ये कहा कि रोड पे उतरना, मैंने, उन्होंने भाषण में कहा कि मुझे रोड पे उतरने का बोला, मेरा सम्मान की बात थी, मैंने उतारने की बात थी। जो लाखों कार्यकर्ता कोने कोने में, जिसने भरचक प्रयास किया, 15 साल बाद हमारी सरकार बने, भावना से जुड़े, दिल से जुड़े, रात दिन एक की, कोई नहीं देखा तेरा मेरा, मेरे ईगो के लिए मैंने उनके सम्मान को ठेस पहुंचा दी। ऐसा व्यक्ति आप अखबार में पढ़ते हैं कभी कभी, एक पिता अपने बच्चों की हत्या कर देता है, कैसा सहम जाते हैं हम। उस तरह की घटना एक हमारे मुखिया ने ही हमारी पीठ में छुरा घोप दिया और लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सिंधिया ने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। जिसने सरकार गिराई उसने कर दी, जिसने उस भावनाओं की हत्या की उसने कर दी। आप कभी महाराज कहते थे, आप उनको गिरगिट कहते हो, नागिन कहते हो? नहीं, मैंने कभी नागिन नहीं कहा, कभी गिरगिट नहीं कहा, मैंने कहा कृत्य। ऐसा कृत्य है ये कि एक 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 परिवार का, जिसको हम, हमारा पिता, बड़ा भाई, जिसके भरोसे हम सब हैं, और वो कहे कि नहीं, ये नाव डुबा दूंगा तुम्हारी, मैं तो मैंने उसको उस तरीके से, उस परिप्रेक्ष्य में कहा। मैं कभी छोटे और खराब शब्दों का उपयोग नहीं करता। बेवफा क्यों हुए? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कुछ मजबूरियां ऐसी है जो दिखती है, और कुछ मजबूरियां शायद ऐसी होगी जो दिखती नहीं होगी। अल्टीमेटली 15 महीने में ऐसा क्या हो गया? आप 17 साल से आप पॉलिटिक्स में है, कभी भी आप पद से बाहर नहीं रहे। इस वक्त भी पार्टी के महासचिव थे आप, जिसमें 7-8 महासचिव रहते हैं अध्यक्ष के बाद। बुंद में आप एक प्रमुख CWC के मेंबर थे आप मध्य प्रदेश के ऐसे कोई से डिसीजन में जिसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं हुई हो, ऐसा हुआ ही नहीं कभी देश के हिस्सों में। प्रियंका गांधी हमारी नेता, उसके पास ही आपका स्थान था, फिर भी आपको सम्मान की आवश्यकता थी। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा सम्मान बीजेपी मुख्यमंत्री बनना था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हाँ, आप सब बनाते थे, मुख्यमंत्री नहीं बनाते थे उनको? नहीं, अभी मैं मानता हूँ कि ये तो मेरे विशेषाधिकार या पार्टी, आपकी पार्टी, ये विधायकों का था, विधायकों ने तय किया होगा उसको मुख्यमंत्री बने। अभी विधायकों ने, मेरे ख्याल से जब वो 15-17 विधायक लेके गए, इसका मतलब बाकी क्या दूसरे तरफ थे, ये भी क्लियर है। तो अल्टीमेटली लोकतंत्र क्या है? हम अलोकतांत्रिक होकर व्यवस्था बनाए, ये भावना तो नहीं होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि नियति को जो मंजूर था वो हुआ, और मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सरकार गई, दुख हुआ, और दुख मुझे ही नहीं हुआ, एक एक कार्यकर्ता को, कोने कोने में मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को हुआ, और जनता को हुआ। सबसे बड़ी बात जनता को हुआ,
मध्य प्रदेश में जिस तरीके सरकार चल रही थी, किसानों के हितों की बात हो रही थी, गरीबों को वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो रही थी, गरीबों को अलग अलग तरीके से मिडिल क्लास, आपसे ही मैं पूछता हूँ, जो बिजली का बिल आता था आपका कमलनाथ सरकार में और आज क्या है, ये अंतर मिडिल क्लास के लोगों में सबको दुख हुआ कि कमलनाथ जी को जिस तरीके से उनकी सरकार को गिराया गया, ये मध्य प्रदेश का अपमान है, उस जनता का अपमान है जिसने वोट में परिवर्तन किया। कमलनाथ बहुत बड़े नेता है। हाँ, अच्छी बात है, है ना, और उन्होंने कई सरकारें बचाई। बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी की सरकार बचाई, झारखंड वाला काम हो, और कई सरकारें गिराई भी। बिल्कुल, केशुभाई पटेल की सरकार गिराने में बहुत बड़ी भूमिका कमलनाथ जी की रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं बता सकता हूँ, खजुराहो के होटलों में रुके गए थे शंकर सिंह बाघेला, कमलनाथ जी के प्लेन से ही खजुराहो आए थे, इतिहास है, इसलिए कोई झूठ नहीं बोल सकता, ना मैं ना आप। इतना बड़ा कद्दावर नेता जिसके बारे में आखिरी दिन तक ये कहा जा रहा था, आप भी कह रहे थे, सज्जन वर्मा भी कह रहे थे, तरुण भानोत भी कह रहे थे कि ये कमलनाथ की सरकार है, कोई इसको हिला नहीं सकता, एक इंच नहीं गिरा सकता, बीजेपी को 7 जन्म लेना पड़ेंगे, ये आपने भी कहा था, सज्जन भाई ने भी कहा था कि अभी हम मास्टर स्ट्रोक है, कमलनाथ आखिरी गेंद पर छक्का लगाएंगे। वो आखिरी गेंद में कहाँ चूक हुई कमलनाथ जी से, वो छक्का क्यों नहीं लगा? मैंने कहा कि नीति को जो मंजूर था वो हुआ, और बीजेपी नहीं गिरा सकी थी, बीजेपी ले गई थी गिराने, हम गए उसमें, हमें नरोत्तम मिश्रा मिले, पूर्व गृह मंत्री मिले, पूर्व PWD मंत्री मिले, पूर्व 2-3-4-5 विधायक मिले, शिवराज सिंह चौहान मिले रास्ते में, वो भी मिले, सब मिले थे, वो रामबाई को मैं रात में लेके आया था, बीजेपी नहीं गिरा सकती थी सरकार, जब तक कि मैंने कहा ना, हमारे, हम दूसरों को क्या गिला शिकवा करें, हमारे ही घर में छेद था, सुराग था, तो उस तरह की बात थी, बीजेपी तो गिर ही नहीं सकती थी घर में था। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कभी कोई नीचे के खराब शब्दों का उपयोग नहीं करता, मेरे स्वभाव में। कमलनाथ जी ने क्यों स्ट्रोक नहीं लगाया, जो मास्टर स्ट्रोक की चर्चा हो रही थी, वो क्यों नहीं लगा पाए? कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो आप हमें माइक पे टीवी पे नहीं बता सकता, पर ये जरूर है कि नुकसान थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए संभला नहीं। नुकसान अगर बीजेपी के हिसाब का होता तो हमारा प्रिपरेशन था। मैं मानता हूँ कि अभी जनता ने जो देखा, जो एहसास किया, जो महसूस किया, और 24 चुनाव है, अंतर फिर आएगा, और मध्य प्रदेश में फिर कमलनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। दिग्विजय सिंह के भी 3 समर्थक, बिसाऊलाल सिंह, ऐदल सिंह, मनोज, वो भी दिग्विजय सिंह के समर्थक भी चले गए, सिंधिया जी के समर्थक जा रहे थे, वहां तो ठीक था। एक एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था 35-35 साल से कांग्रेस के बड़े नेता थे, बड़े मंत्री थे, उन्होंने धोखा दिया अपने लालच के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने आर्थिक कंपोनेंट के लिए 50-50 CR, कितना होता है 50 करोड़ रुपया। एक देश का प्रधानमंत्री ये विचार कर ले, गृह मंत्री ये विचार कर ले कि मुझे इस प्रदेश की सरकार गिरानी है, और उसके लिए मैं 1000 करोड़ के बजट का प्रोविज़न करता हूँ, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या, और भावी पीढ़ियों के लिए मध्य देश का लोकतंत्र कैसा रहेगा चिंता का विषय है, मेरे लिए तो है ही, पर आपके लिए भी है, इस देश के एक एक जनमानस के लिए भी है। राजवर्धन दत्तीगांव बदनावर के, उन्होंने आज ही इंटरव्यू कहा है, बदनावर के जो विधायक हैं, उन्होंने आज ही इंटरव्यू में कहा कि जीतू पटवारी ने जो है हमको लालच दिया था, दिग्विजय सिंह ने हमको लालच दिया था, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, फोन रिकॉर्डिंग है। क्या लालच दिया था? पैसे का। मैंने आज ही उनका इंटरव्यू है। आई डोंट नो, उनको मैं चुनौती देता हूँ, जिसको भी उस उनको ही नहीं, किसी को भी चुनौती देता हूँ कि किसी को मैंने पैसे का लालच दिया हो। तो ये भावना, ये बातें चुनौती है इस टीवी पे, जो एविडेंस है सामने लाए, स्वीकार्य होगा उन जो कहेंगे वो। ये इस तरह की बातें, इस तरह का विचार, मैं उनके चुनाव में गया, उनके चुनाव में जनता से वोट मांगा, ये कहा कि ये सिर्फ विधायक नहीं, मंत्री चुने जाएंगे, ये एक पॉलिटिक्स में एक भावना होती है, वो मैंने कही, और मेरे दोस्त भी है थे वो, ऐसा तो नहीं कि मेरे दुश्मन थे, मेरी पार्टी के साथ साथ मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध थे उनसे, तो मेरी भावना थी कि मैं उनके लिए अच्छा करूं, अगर मैंने अच्छा किया और कोई गुनाह किया तो इसके लिए तो आई डोंट नो मुझे। लेकिन आप वो दोस्त तो आरोप लगा रहे हैं आप पे। नहीं, वो उनकी, भगवान उनका भला करे, उपचुनाव होने वाला है अभी, उन्हें हरा देंगे, आप उनके खिलाफ काम करेंगे 100% मनोज चौधरी के खिलाफ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता के सार में कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हो तो सामने अपने पिता, माता, भाई, बहन, रिश्तेदार कोई खड़ा हो, धर्म के साथ खड़ा होना है, उनके लिए किसी का भी वध करना पड़े पर धर्म, मेरा, मेरी विचारधारा, मैं मध्य प्रदेश का सम्मान, उस बोर्ड का मान, मेरे धार, मेरे, मैं समझता हूँ इस वक्त मेरे धर्म का आधार है, तो उन सब के लिए मुझे इनको सबको हराना है। गीता का 18वां अध्याय आपने कंठस्थ कर लिया है? नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, पर ये याद है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस हिसाब से हमें पूरे विश्व को ज्ञान दिया,
हिंदू धर्म की जो प्रकांड एक प्रतिष्ठा की बात है वो मैं जीता हूँ और उसी आधार पर आगे बढ़ता हूँ। तो ये सब हारेंगे, कमलनाथ फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 महीने 5 महीने बाद बनेंगे। उपचुनाव होते सही 100% जनता चाहती है, ये जीतू बंटवारी नहीं कह रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 12 महीने में 14 महीने में कमलनाथ जी को जो मैंडेट मिला था उनको हटाना था? क्यों इतना लालच, क्यों इतनी सत्ता की हवस, क्यों क्यों हम लोकतंत्र की हत्या का जिस तरीके से अति महत्वाकांक्षा। पर आप विधायक क्यों नहीं संभाल पाए? विधायकों को शिकायत थी कि वो कहते चलो। नहीं, मैंने आपसे ये कहा कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, 20 अच्छाई होगी तो 10 बुराइयाँ होगी, कमियाँ होगी। मैं मानता हूँ इस बात को कि कोई वैसी बात नहीं है, पर मैंने कहा एक अखबार की खबर फ्रंट पेज पे कि 7 बच्चों के साथ एक पिता ने पूरे परिवार की हत्या कर दी, कैसा सहर जाता है। वैसा हुआ हमारे साथ, आपने बहुत पहले एक नेपाल में छोटा था जब एक नेपाल के राजकुमार ने पूरे परिवार की हत्या कर दी, फ्रंट पेज पे आया था। मैं छोटा था, मैंने एक भाई भाई को कैसे मार सकता है भाई, पिता एक बच्चों कनेक्शन था उस हत्याकांड का। मैंने जो कहा आपको उस भावना को समझो, और वैसा ही कृत्य है, मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ ऐसा कृत्य। तो मैं मानता हूँ कि जो हुआ नेति को जो मंजूर था, जो हो गया सो हो गया। अब हमारे लिए वो महाशय जो हमें पीठ में छुरा घोप के गए और शिवराज सिंह जी एक जगह है, हमारे उनसे दुश्मनी कुछ नहीं है, सिद्धांतों की लड़ाई है, जीतेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को साथ में लेके जीतेंगे। एक लंबे समय से आपकी पार्टी प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है, सोनिया जी प्रभारी काम कर रही है जब से राहुल जी ने इस्तीफा दिया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी बहुत पहले इस्तीफा दे चुके हैं, 2 पद एक व्यक्ति 2 पद का दायरे में, आपकी पार्टी अनिर्णय की शिकार क्यों होती है, फैसला क्यों नहीं ले पाती? प्रतीक भैया, अभी पूरी पार्टी का मानस सिर्फ इस महामारी जो विश्वव्यापी आई है कोविड, इसमें कैसे देश उभरे। हम जो कोविड के बहुत पहले आर्थिक सुनामी जो आएगी उससे देश कैसे आगे जी। तो भाई आपके दोनों राजनीतिक रोज राजनीतिक भावना की बातें, राजनीतिक विचार की बातें, और राजनीति में किसी भी प्रकार की गतिविधि से हमारा मानस अभी बनता हुआ नहीं दिखता है। हमें तो ये है कि हमारी देश की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार, उसके जो आज मुखिया है वो, और उसके निर्देश हमारी जनता कैसे पाले, उसमें कार्यकर्ता अपना भाव कैसे मिलाए, और हम सब मिलके इस युद्ध को जीते कैसे, बस एक ही भाव। मध्य प्रदेश में और खासकर इंदौर में, चलिए अब कोविड भी बात करते हैं, आपका मन अगर कोविड पे है तो कोविड पे बात करते हैं कि मन अगर इंदौर की जो कोविड की हालत है और इंदौर में 3,000 से ज़्यादा मरीज हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर ललवानी ने इसी चैनल पर कहा कि जब इंदौर में कोरोना से निपटने की तैयारी करनी थी तब कमलनाथ जी आईफा की बैठक करते थे। मैं शंकर लालवानी जी चूँकि मेरे सांसद है, और मैंने कहा आपको कि मैं राजनीतिक भावना से बात नहीं करना चाहता, पर उनके समझ को बढ़ाना चाहता हूँ। कोरोना आया कैसे, कैसे आया? हवाई के रास्ते से, हवाई जहाज के रास्ते से। वो सांसद थे, उनकी उनको उनके सामर्थ्य का उपयोग करना था। उन्होंने इंदौर एयरपोर्ट पे कोई भी विदेश का यात्री आए उसकी जांच करानी थी, क्वारंटाइन करना था, ये देश की सरकार के परिप्रेक्ष्य में आता था, क्यों नहीं किया? अगर आपने कहा, मैंने आरोप प्रत्यारोप पे बात नहीं करता हूँ, मेरा तो एक मानस है ये, वो ऑन रिकॉर्ड कहा मैं इन्होंने कहा तो मैं वो भावना मेरे सांसद है, पर मैं उनकी समझ को बढ़ाना चाहता हूँ। देश में राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी अभी ये चाइना में ये परिस्थिति बनी है, इटली में बनी है, अमरीका में बनी है, अभी जल्दी से हम जागे, हमारा देश सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी वाला देश है, बहुसंख्यक मीन संख्या की दृष्टि से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या वाला है जनसंख्या की दृष्टि से, तो हमें सबसे पहले जागना चाहिए। मोदी जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री मजाक कर रहे थे, पूरी बीजेपी करोना डरोना कर रही थी, शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि ये क्या मजाक है, क्या भविष्यवक्ता है कमलनाथ, इस तरह के उनके पूरी पार्टी के वक्तव्य आ रहे थे। और ऐसे में अगर 25 एयरपोर्ट आप लॉकडाउन कर देते और उनके लोगों को जो आ रहे हैं विदेशों से क्वारंटाइन कर देते तो क्या देश की ये भयावह स्थिति बनती? मैं आपकी चैनल पे मतलब मोदी जी जिम्मेदार है इस कोरोना के लिए, मैं तो नहीं कहता हूँ कि जिम्मेदार, मैं तो आपसे सवाल करता हूँ, आप बताओ, आप जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, क्या इस देश में अगर 25 एयरपोर्ट लॉकडाउन सही समय पे हो जाते और विदेश से आने वाले लोगों को सही तरीके से क्वारंटाइन कर दिया जाता तो क्या स्थिति बनती?
राहुल गांधी चाइना में इसलिए नहीं हुआ, राहुल गांधी ने तो अमेरिका में इसलिए नहीं हुआ, राहुल गांधी ने 12 जनवरी को चेता दिया था 100%। जब ये जितने भी मोदी जी के हमारे समर्थक है, मैं भक्त नहीं कहता हूँ, वो मजाक करते थे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे, और मैं मानता हूँ इस बात को कि ये मजाक करना या किसी प्रकार का एक दूसरे का विरोध करना, पहला ट्वीट उन्होंने शायद दिसंबर में किया था, 26 दिसंबर भी दिए थे, पूरे देश को पता है उन्होंने कब क्या किया। मेरा तो सवाल इतना है, शंकर लालवानी हमारे सांसद है और सीधे कनेक्ट होते हैं केंद्र से, तब ये बात करनी थी। अभी मैं एक आपकी की चैनल पे एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि देखो अमेरिका की हालत, देखो चाइना की हालत, देखो इटली की हालत, हम तो बहुत सुरक्षित है। मुझे शर्म आई वो सुन के कि आप ऐसी कैसी बात, जब चाइना में बीमारी आई जब पता नहीं था बीमारी आएगी, वो अमेरिका गई क्योंकि चाइना के बहुत बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाते हैं, वहाँ भयावह, इटली बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं वहाँ, यहाँ बहुत कम लोग चाइना के आते हैं, अमेरिका से बहुत कम, और वहाँ पहले आई यहाँ बाद में आई, जब अपने को पता था तूफान आ रहा है उसकी सुरक्षा की बात करनी थी, वो की नहीं। और अब फिर जितना भी परिस्थिति में जितनी हत्याएं, आज 3,000 लोग मर गए या 5,000 लोग चले गए, उनकी कीमत की कोई, जान की कोई कीमत नहीं है, उस पर अपने आप की पीठ ठोकते हो, शर्म आनी चाहिए। इंदौर की हालत इतनी बिगड़ गई, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? 100% प्रशासन को। पर मैं जैसा कहता हूँ, मेरा नेचर नहीं है मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाऊँ, मेरा नेचर नहीं है इस बात का। देश में अगर कोरोना फैला तो उसका देश की सरकार, देश के बड़े बड़े नेता, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए जब देश को लॉकडाउन करना था तब किया नहीं, और मध्य प्रदेश की सत्ता हथियाने के लिए पूरे देश को कोरोना के संकट में डाल दिया, और दूसरा नमस्ते ट्रंप करना था तो पूरे देश की जो हवाई यात्राएं रोकनी थी जब लॉकडाउन करना था, और उनको कोविड की प्रोसेस को वहां से पूरी वोमानी की, इसलिए नमस्ते ट्रंप आपने के वो लिए। बताया, लेकिन मैं इंदौर की बात नहीं है, स्पष्ट जनता के बीच में जाना चाहिए। इंदौर की बात को इंदौर की भी यही है, मैंने कहा जब पूरे देश को लॉकडाउन करना था तब उसमें जिस दिन कर्फ्यू हुआ, देश का पूरा कर्फ्यू, स्वयं कर्फ्यू देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उससे पहले लॉकडाउन करना था क्योंकि मध्य प्रदेश के सत्ता परिवर्तन कराना था, यहाँ पे राज्यपाल जी के रात रात को 1-1, 2-2 बजे तक उनको निर्देश मिल रहे थे, राज्यपाल जी रात में और दूसरे दिन सुबह 12 बजे कैसे भी विधानसभा बुलाओ, इस तरह के प्रेशर बना रहे थे। राज्यपाल की बात का तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन कर दिया कि राज्यपाल को अधिकार है। तो मैंने तो ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट देश के की परिस्थिति क्या है, मैं इन पे नहीं जाना चाहता, मेरी हैसियत भी नहीं, और मुझे देश का संविधान ये अनुमति भी नहीं देता कि मैं इनके खिलाफ या इनके लिए कुछ बोलूं, पर समझ की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कैसे किया क्या किया वो भी समझ की बात है। मैं नहीं मानता हूं कि पूरे प्रोसेस में देश की सर्वोच्च संस्था के मेन मुखिया, मध्य प्रदेश की एक राज्य की सरकार गिराने के लिए कोविड को पूरे देश में फैलाया। सरकार मोदी जी ने गिराई है, एक एक व्यक्ति, हाँ बीजेपी का शामिल था उसमें, एक एक व्यक्ति, आप ही ने बताया, आप ही की टीवी पे डीजे आना पे था कि अमित शाह के घर पीयूष गोयल बैठे, ये बैठे, नड्डा बैठे, ऐसा बैठा, वीडियो विजुअल थे, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, आप बताओ, जर्नलिस्ट हो आप, मोदी जी की भूमिका को तो आपको बताना पड़ेगा ना। मैं तो, मुझे नहीं पता कि देश में, मुझे ये, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस देश में किसी को किसी भी प्रकार का मध्य प्रदेश में कोई कन्वर्सेशन देश के सरकार का होना है, तो देश के मुखिया को उससे बाहर कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर कमलनाथ जी सरकार गिरा दी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना था, ये तय किसने किया? ये उनकी पार्टी ने किया, पार्टी पार्टी का कोई बोर्ड है उनका, पार्टी का जो डिसीजन है, अध्यक्ष है, कोई बोर्ड बना होगा, कोई सर्वोच्च संस्था बनी होगी, उसके मोदी जी सदस्य है या नहीं है? होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो फिर वो इस सरकार गिनाना और मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका होगी नहीं होगी, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, पार्टी के नेता के तौर पर होगी, इसमें का इनकार कर सकते हैं? आप ही के सवाल और आप ही के उत्तर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो कोरोना की बात करी, और आपने जैसा इंदौर में 3,000 ज्यादा कोरोना आ गए, और आपने कहा कि प्रशासन जिम्मेदार है, किस तरह से जिम्मेदार है प्रशासन? दो बातें थी कि जब हमें सही तरीके से, जैसे ही मुख्यमंत्री बने और पता चला कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर में महामारी सबसे ज़्यादा है, यहाँ असर हो रहा है, तो हम कह रहे थे ये तो जमात लेके आ गई। जमात लेके आई, जमात को परमिशन किसने दी अंदर आने की? उनको अगर पता चल गया था कि जमात ने में कोरोना आ गया है, तो उस तरह की उनको सेना क्यों नहीं भेजी गई, फटाफट अंदर क्यों नहीं किया गया?
दिल्ली से ही हुआ ना सर, दिल्ली को आरोप प्रत्यारोप वहीं से चालू हुआ ना। तो पहले एयरपोर्ट के रास्ते जमात के लोग यहाँ आए, उनको वहाँ नहीं रोका गया, जाँच नहीं की, उनको परमिशन क्यों दी जब पूरे देश में ये परिस्थिति चल रही, परमिशन किसने दी? और जब परमिशन की बात भी चली गई, पता चल गया कि अब ये है, तो उनको और एकदम सेना से उसको सील क्यों नहीं कराया गया? क्यों एक एक आदमी को नहीं पकड़ा गया? 13 तारीख से 15 तारीख का उनका कार्यक्रम था, और वो 15 तारीख के कार्यक्रम के बाद 23 तारीख तक संसद चलते ही। तो ऐसी स्थिति में देश की सरकार का कहीं तो जिम्मेवारी थी नहीं या नहीं थी, आप बता। मैं आप ही से पूछता हूँ प्रतीक भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये देश की सरकार की जिम्मेवारी दिल्ली में थी या नहीं थी? जवाब देना अपनी जगह है, पर आज जरूरी है, देश हमारे देश के प्रधानमंत्री है, आज कांग्रेस बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं, इस कोविड से सबसे मिलकर लड़ना है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी थी या नहीं थी? मेरा सवाल था इंदौर में कहां लापरवाही हुई? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, ये लापरवाही यही हुई, यही लापरवाही हुई कि हम जब इसको अधिकारियों को सही तरीके से काम करवाना था, निर्देश देना था, जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ सत्ता बदल रहे थे, जो यही मुख्यमंत्री थे, देवास इंदौर भोपाल, भोपाल बेंगलोर कर रहे थे, जैसे तैसे सत्ता पे बैठ गए, उसके बाद एक बार भी इंदौर नहीं आए, एक बार भी उज्जैन नहीं गए, स्वास्थ्य मंत्री नहीं बना, बार बार जिद क्यों कर रहे हो? शिवराज जी इंदौर आए, नहीं नहीं जिद का है कि एक राजा संकट के समय जनता में नहीं रहेगा तो कैसा राजा? घर में बैठ के, एसी के कमरे में बैठ के केवल भाषण और वीडियो पे शूट करा के टीवी पे चलवा के कैसा राजा? जहाँ मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उसको आकर आपने किस तरह की एकदम हेवी इमरजेंसी के साथ काम क्यों नहीं किया? आप ये स्वास्थ्य मंत्री आपने बनाया नहीं एक महीने तक, और बनाया तो वो इंदौर ही नहीं आया, पहले स्वास्थ्य मंत्री जो था इंदौर का ही था, वो उसको आपने खरीद लिया, वो तो आप ही के व्यक्ति तो खरीद लिया, तुलसी सिलावट बिक गए भैया, ये तो आप ही ने बताया कि 50-50 इसी डिजियाना पे देखा मैंने, नहीं नहीं आपने बताया किसी, एक नए 35 करोड़ से 50 करोड़ देता हूँ आपको, मैं चुनौती देता हूँ, टेलीविजन पे नहीं निकले तो मैं चुनौती देता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, हमने कभी नहीं कहा कि ये पैसे किसी ने खरीदे, नहीं 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 बार बार कहा, एक बार नहीं 100 बार कहा, हर टेलीविजन ने कहा, नहीं नहीं हर टेलीविजन ने कहा, हमने नहीं कहा, सब ने कहा, आम आदमी ने कहा, मैं आप आदमी क्या कह रहे हैं, ये कांग्रेस का परसेप्शन है कि खरीद लिए, लेकिन कांग्रेस ने, अच्छा मेरे को ये बताओ, एक विधायक जिसने जनता ने चुना, अच्छे खासे पैसे और अच्छी खासी मेहनत, 30-30 साल की मेहनत के बाद विधायक बना, स्वतः चला जाएगा बिना उससे, बिना लालच से फिर चुनाव में होगा, ये संभव है? प्रैक्टिकल अच्छा लगता है बात सुनना, सवाल है मेरा आपसे, पार्षद नहीं बन पाता आदमी, सरपंच नहीं बन पाता है, पंच नहीं बन, विधायक बन गया और वो बिना उससे इधर से उधर हो गया कि मैं वापस चुनाव लड़ना चाहता हूँ 12 महीने में, अच्छा, आपकी जब मेरा मेरा को उत्तर दो, प्रतीक भैया दोनों चीज, मैं आपको उत्तर ही दे रहा हूँ, आपकी जब सरकार थी तब रमा भाई, संजीव शुक्ल, बसपा वाले आपको समर्थन दे रहे थे, फिर भी दे रहे थे वो, कौन रमा भाई आपको समर्थन दे रही थी, हमें दे रहे थे, तो फ्री में दे रहे थे क्या? हमें अखिलेश यादव दे रहे थे ना आपको समर्थन? 2 मिनट बोलूं मैं, हमें अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के, उनने समर्थन दिया, उसके विधायक इसलिए हमारे पास आए, हमें मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष BSP उनने समर्थन दिया इसलिए वो विधायक हमारे साथ, फ्री में ही दिया ना, नहीं तो फिर कैसे फ्री में दिया ना, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि इनने फ्री में समर्थन दिया, नहीं ये तो आप तर्क दे सकते हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुझे नहीं पता, मैं बीजेपी के प्रवक्ता होता तो आपको ऐसी बात नहीं देता, मुझे नहीं पता, अगर मैं बीजेपी के प्रवक्ता होता तो आपको इतने मौके नहीं देता, मैं आपको बीच में ही रोक देता। मेरा अनुरोध तो ये था भैया मेरा आपसे कि इस देश के लोकतंत्र की खतरे में हत्या हो रही है, उसमें एक जर्नलिस्ट का, रोम का जब शासक था तो उसकी एक एडवाइजरी थी जो राजाओं को कंट्रोल करती थी, आज के लोकतंत्र की एडवाइजरी आप हो, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये भी राजा की जय जय, सत्ता की जय जय गलत कामों में करने लगे, रोम भी नहीं बचा, वो एडवाइजरी नहीं बची नहीं, और शासन भी नहीं बचा, रोम समाप्त हो गया, ऐसे ही देश का लोकतंत्र है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जर्नलिज्म, वो गलत, मैं जीतू बंटवारी गलत है क्रिटिसाइज करो, इस बात इस भावना को किस तरह मध्य प्रदेश ऐसा तो नहीं था। अब ये बताइए आप रास्ता बताओ, चलो इंदौर में 3,000 हो गए जी, मध्य प्रदेश में और ज्यादा हो गए, पूरा इंदौर बंद है, लॉकडाउन की स्थिति है, व्यापार व्यवसाय खोलना है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, आपके पास क्या योजना है, क्या प्लान है? मैं मानता हूं कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक विशेषज्ञों की टीम बनानी चाहिए, और विशेषज्ञों की इस पार्ट पे टीम बनानी चाहिए जिसमें राजनीतिक पुट ना हो,
जैसा उन्होंने पहले एक टास्क फोर्स बनाया बीजेपी के नेताओं का, वो ही टास्क फोर्स विशेषज्ञों का बना लेते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। पश्चिम में मध्य प्रदेश को लेकर जो उन्होंने ऑटो मूट पर छोड़ दिया है, जो मरेगा मरेगा और जो बच जाएगा, कोरोना तो फैलेगा, इसके साथ ही जीना है, मुख्यमंत्री ने कहा, तो ये उनकी पहले सोच को बदलना पड़ेगा। और जिस तरीके से सिर्फ एक अधिकारी और अधिकारी बोले वैसा सब हो, जिसको मेडिकल लाइन में इमरजेंसी के साथ वर्क करना चाहिए उससे विशेषज्ञ आना चाहिए, जिसको प्रशासनिक व्यवस्था में जैसा वर्क अच्छे से अच्छा कर दे उनको आना चाहिए, राशन को संबंधी लोग बाहर नहीं निकले और व्यवस्थित उनके बात पे काम पे उस पर अच्छे से काम हो उसके लिए एक विशेषज्ञता लानी चाहिए, पॉलिटिकल पुट को परे रखना चाहिए, और जैसे भी मेडिकल इक्विपमेंट जो मध्य प्रदेश में और देश में और इंदौर में भी जिनकी कमी आती है बार बार, वो चाहे टेस्ट ट्यूब या पीपीपी किट हो, उनकी अवेलेबिलिटी हैवी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ हॉट स्पॉट है उसको लेकर प्रशासन ने जिस तरीके से सख्ती रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ मेरी और आपकी और जनता की जिम्मेवारी कि शासन के नियमों का पालन करना चाहिए। मैंने 25 वीडियो जारी किए होंगे इस पूरे प्रोसेस में कि हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, प्रशासन का साथ देना है। मैंने कितना भी मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज़ किया पर काम वही किया और वही करवाया जो उनने कहा। हमने राशन, उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक व्यक्तियों का काम सिर्फ एक है, राशन व्यवस्था में सही तरीके से साथ दे। मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए उनके चरणों में नमन करते हुए, मेरे को ही नहीं पता था ईश्वर ने इतना काम करवाया उस फील्ड में, मुझसे अद्भुत अपने मेरे को अकल राशन बांटा। मैं इसका मैंने एक ट्विटर पे या फेसबुक पे एक भी वीडियो या एक भी बात मैंने नहीं बोली, ये एक तरह से ईश्वर का काम था और उसको आराधना का काम था, उसको बता के मैं छोटा नहीं होना चाहता। मैं जानकारी के लिए मैंने एक भी राव विधानसभा की बस्ती या मिडिल क्लास का घर जहाँ पे मुझे पता चला, सिर्फ किसी ने बोला नहीं और वहाँ राशन नहीं पहुँचा, ऐसा हुआ नहीं। आज की डेट में भी 5000 पैकेट बटे हैं, ऐसा कोई घर कोई कॉलोनी प्याज आलू लहसुन जो जो आवश्यकता मिडिल क्लास के कॉलोनी में राव विधानसभा पूरी कवर किया। उसके अलावा भी सांवेर हुआ, उसके अलावा 5 नंबर हुआ, इंदौर शहर के किसी भी हिस्से में जिसने मुझे जो बोला, और एक आदमी कह दे कि मैंने जीतू पटवारी को ये कहा था और उन्होंने नहीं कर पाया तो शायद मेरे में कमी होगी। मेरी ईश्वर की कृपा बनी कि हमने पहुँचा है, इसमें सारे राजनीतिक दलों ने पहुँचा है। इसको प्रतीक भैया थोड़ा क्लियर कर दूँ, मेरी राव विधानसभा एक परिवार है और उसमें मेरे सामने चुनाव लड़े वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस, सब ने मिल के काम किया। मैं ये श्रेय की पॉलिटिक्स या श्रेय की कोई भावना नहीं है, और यही कारण था कि हम राव में बहुत अच्छे से काम कर सके और आगे भी करेंगे। जो अब 24 उपचुनाव होंगे, दो तो विधायकों के निधन के कारण और 22 दल बदल के कारण, इन 24 विधानसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्या कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेताओं को अपने यहाँ से ला के चुनाव लड़वाएगी, जैसे सुर्खी में पारुल साहू का नाम चल रहा है या राजेंद्र मोकलीकर का नाम चल रहा है या बदनापुर में किसी और बीजेपी नेताओं का नाम चल रहा है, तो क्या बीजेपी कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई कि बीजेपी के लोगों को लाकर और पार्टी से टिकट दिया जाए? हाँ प्रतीक भैया, अभी कांग्रेस पार्टी का मोटिव सिर्फ एक है कि इस महामारी से, मजदूरों की समस्याओं से, किसानों की समस्याओं से, कोविड से कैसे हम बाहर आएँ और सरकार का साथ देते हुए आएँ। जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन उसके साथ ही हम अपनी प्रक्रिया चालू करेंगे, चूँकि राजनीतिक दल है, जरूर हम जीतेंगे, जनता का मानस बना हुआ है। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे? क्या आप किस रणनीति, किन मुद्दों को लेकर आप क्यों जाने वाले हैं? वोट दे इस व्यक्ति को जिसको 14 महीने पहले दिया था वोट, क्यों वोट दे उसको जिसपे ये ठप्पा लगा कि इसने मेरा वोट बेच दिया मेरे बिना पूछे? तो मैं नेचर है कि जिस विचार के साथ वो गए थे उसी विचार का 5 साल पूरा बनता है, इसलिए वोट दे। तो कमलनाथ के 15 महीने और बीजेपी के 15 साल। अब इंदौर शहर में कमलनाथ के लिए क्या फीलिंग थी आपसे मेरा सवाल है, पॉजिटिव थी नेगेटिव थी? और शिवराज और कमलनाथ की तुलना करते हम तो लोगों की भावना अच्छी थी बुरी थी? बुरा लग रहा था लोगों को कि 15-15 साल से जिनके प्लाट नहीं मिले उनके खिलाफ जंग चालू हो गई थी। बुरा लग रहा था इस प्रदेश को कि मिलावट के खाने पीने की चीज़ें के मिलावट के खिलाफ युद्ध हो रहा था, शुद्धि का युद्ध, अच्छा नहीं लग रहा था। आपके मैंने जैसा कहा कि जिसका 2000 बिल आ रहा था उसका 150 यूनिट में बिल आ गया 1 करोड़ परिवार का, क्या अच्छा नहीं लग रहा इन था? तमाम मुद्दों जो गरीब परिवार है जिसको 600 रुपये 300 रुपये 15 साल में शिवराज ने की पेंशन, उसको सीधे 600 रुपये कर दी, 1000 करने वाले थे जून से, बुरा लग रहा था।
1,00,000 रुपए तक के किसानों के ऋण माफ कर दिए। राव में, सांवेर में जहाँ पे चुनाव है वहाँ तक के 1,00,000 रुपए के प्रमाण पत्र इन्हीं बीके हुए महाशय ने जारी किए, बांटे लोगों को। वो बुरा लग रहा था लोगों को, और अब कह रहे हैं उल्टी बातें या सिल्टी बातें कर रहे थे। तो मैं मानता हूँ कि ये सब मुद्दे 15 साल बनाम 15 महीने जनता 101% कमलनाथ जी के साथ। खबर ये भी आई थी कि बीजेपी के बहुत सारे नेता विधायक अभी आपके संपर्क में है। मैंने कहा कि राजनीतिक बात और भावना अभी मेरे भी मस्तिष्क में बनती नहीं है। सिर्फ कोविड के खिलाफ जो मेरा रोल है वो कैसे प्ले हो, और पार्टी का रोल है वो कैसे प्ले हो। जी तो भाई, आज आप एक चर्चा ये भी रही कि 1 जून को सिंधिया जब यहाँ आएंगे मध्य प्रदेश में भोपाल में, तब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जिसमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का मोटिव कभी भी इस महामारी से लड़ने का मध्य प्रदेश में नहीं रहा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का रहा। अगर वो आते हैं और ऐसा करते हैं उनका स्वागत है, उनका काम है, करना चाहिए। हमारा काम है इस परिस्थिति में मध्य प्रदेश की जनता को उभारना, और जो दुखी है, जो जिसके पास दर्द है किसी भी रूप का, वो चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोविड का वो परिवार जो ग्रसित हो, सबके लिए काम करना। क्या कैलकुलेशन है, कितनी सीट अगर आप उपचुनाव में जीत लेंगे तो सरकार आपकी 24 की 24 सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 24 की 24 सीट आएगी। सरकार कितने में बनेगी वो अलग कथा है। क्षमा करें, इस तरह के दावे आपकी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव में भी करते थे और 29 पे आप हार गए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ प्रतीक भैया कि जब चुनाव होंगे तो आप मेरे कॉन्फिडेंस को और मेरी भावना की इज्जत करेंगे। बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी जी, डीजीएन न्यूज़ के दर्शकों से बात करने के लिए। गीता का 18वां अध्याय जीतू भाई को कंठस्थ है, और वो कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में जिन्होंने विश्वासघात किया है उनको सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत ऊँचा है, और वो कह भी रहे हैं कि उपचुनाव में हम सभी 24 सीटें जीतेंगे। ये वक्त बताएगा कि उनके आत्मविश्वास का आधार क्या है। हालांकि उनके पास बहुत दमदार मुद्दे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वो इशू के साथ मैदान में उतरने वाले हैं कि आखिर जिन्होंने आपका वोट भेज दिया उनको फिर से वोट क्यों दिया जाए। और ये अगर सवाल जो बहुत वाजिब है, अगर हिंदुस्तान का आवाम और हिंदुस्तान का मतदाता अगर इस सवाल को पहचान लेगा, जान लेगा, समझ लेगा, तो लोकतंत्र का स्वरूप ही बदल जाएगा। देखते रहिए डीजीएनएल न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार जी, नमस्कार।